छिंदवाड़ा जिले की चौरई में एसडीएम के मुंह में कालक पोतने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए अभद्र व्यवहार किए जाने के खिलाफ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भड़के हुए हैं। वहीं इनके साथ कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी भी आ चुके हैं। इसलिए आक्रोश अब आंदोलन का रूप लेने लगा है। इसी श्रृंखला में आज जबलपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार आदि ने मीटिंग कर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा गया कि इस प्रकार की घटनाएं आगे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। श्री पटेल साहब के साथ जो हमारे एसडीएम है छिंदवाड़ा में घटना घटी है, पूरे प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार दो दिन के सामूहिक अवकाश पे हैं। आज सोमवार और मंगलवार दो दिन हम लोग केवल कोरोना का काम करेंगे, कोरोना के अलावा अन्य कोई कार्य हम लोग नहीं करेंगे। और इस घटना की हम कठोर निंदा करते हैं। माननीय सीएम साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से मांग करते हैं कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई तो हो ही गई है, हमारी सुरक्षा और प्रशासनिक सक्षमता स्थापित करने के लिए और निर्देश जारी करने कैसे करेंगे। राजस्व अधिकारियों ने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन जो है उन्होंने जो भी बातें की हैं वो राज्य शासन तक अवगत कराने के लिए हम करेंगे।